हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं नबील 7.4.1 का रिव्यू में लेके आया हूँ आपके लिए। तीन दिन इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे का आधा दिन जो आज बीत चुका है। अपडेट जो है मैंने फ्राइडे को सुबह 4:05 में किया था। आया था अपडेट थर्सडे की रात को 11:30 के आसपास, और ये अपडेट जो है फिर मैंने फ्राइडे पूरा इस्तेमाल किया, सैटरडे इस्तेमाल किया और आज का संडे का दिन। तो कैसा रहा अपडेट, कैसी रही बैटरी लाइफ, कितनी बैटरी लाइफ निकाल के देगा, स्टोरेज मेरी जो 80 GB हवा हो गई थी क्या वो वापस आई नहीं आई, उसमें से कितनी आई कितनी नहीं आई, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हीटिंग हो रही है नहीं हो रही, बैटरी ड्रेन हो रही है नहीं हो रही, ये भी चीजें हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले। तो शुरुआत यहाँ पे करते हम बैटरी लाइफ से ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे फोन की जो बैटरी अभी है करंटली, ये 8% पे। इतना कम क्यों है, कभी भी मैं ऐसा करता नहीं, 20% से नीचे जाने देता नहीं और 80% से ऊपर चार्ज करता नहीं। यहाँ पे अगर आपको सेटिंग में लेके चलू, यहाँ पे मैं लाइट मोड डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। यहाँ पे मैं नीचे लेके जाता हूँ आपको सेटिंग में, बैटरी में लेके जाता हूँ, बैटरी हेल्थ में लेके जाता हूँ, तो अभी भी अलहमदुलिल्लाह 100% है अपनी बैटरी हेल्थ। साइकिल काउंट 177 है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है, काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अच्छे से मेंटेन है। वो इसीलिए मेंटेन है क्योंकि चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन को हमेशा मैं 80% के लिमिट पे सेट करता हूं। अगर आपके पास आईफोन 14 है, 13 है या फिर उससे भी कोई पुराना आईफोन है, तो ये ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलने वाला, सिर्फ 15 के लिए है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग पे रखिए अपने फोन को, और आपके फोन को जो 80% वो पहुंच जाए तो वहां से चार्जिंग पे से हटा दीजिए। एप्पल देना चाहिए सबको, लेकिन देता नहीं है। अब यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो ये मैंने जो चार्ज किया था फोन को फुल्ली, ये कब किया था, देखिए सैटरडे रात को 12:40 पे। जैसे ही सैटरडे लगा, मतलब फ्राइडे की रात खत्म हुई, फ्राइडे पूरा दिन तो मैंने यूज किया, लेकिन शाम में जो है मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया और 12:40 पे जो है ये फुल चार्ज हो गया। मतलब मैं 12 बजे जनरली निकाल देता हूँ चार्जिंग पे से 100 करके, लेकिन हुआ नहीं था 100%। अभी थोड़ा रमजान चल रहा है, नमाज वगैरह को जाते हैं हम लोग तो आने को लेट हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा लेट लगाया मैंने चार्जिंग पे। तो 12:40 AM को मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे हटा दिया। अब यहाँ पे स्क्रीन एक्टिव टाइम 24 आवर्स का देखेंगे तो दिखा रहा है 2 घंटा। तो क्या 2 घंटे की बैटरी लाइफ मिली या 2 घंटे का स्क्रीन टाइम मिला, ऐसा नहीं है, ऐसा देखना ही नहीं होता। आपको सिखा भी रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जो है पहली बार ये सब चीज देखते तो उनको भी समझ में आ जाएगा। लास्ट 10 डेज पे जाना है आपको। अब यहाँ पे सैटरडे को जब मैंने इसको चार्जिंग पे से हटाया, उसके बाद ही शुरू किया मैंने इसको इस्तेमाल करना। सैटरडे की रात को जब 12 बजे यानी कि संडे लग गया, उस टाइम तक मैंने इसको जो इस्तेमाल किया उसमें 4 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम मिला। एक्टिविटी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम 1.5 घंटे, ट्विटर जो है 1 घंटा, व्हाट्सएप 1 घंटा 7 मिनट, कैमरा 11 मिनट, यूट्यूब, और प्रॉपरली मैंने इसको इस्तेमाल किया। सब कुछ जो है जैसे आप यूज करते होंगे वैसा ही ऑन द हैवियर साइड इस्तेमाल किया। बस गेम नहीं खेलता हूं मैं, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद आज संडे का दिन है, संडे जो है 46 मिनट्स का स्क्रीन एक्टिव टाइम मुझे मिला है। तो मतलब वो 4 घंटे और ये 1 घंटा अप्रोक्सीमेट पकड़ लो, तो 4.5 घंटे का टाइम जो है स्क्रीन ऑन टाइम इसने निकाल के दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 12:40 से लेके 12:40 आज के 24 घंटा होता है। फिर उसके अंदर और 12:40 ऐड कर दो आज दोपहर के, तो कितना हो गया, 36 आवर्स हो गए, और उसके बाद 1.5 घंटा और, तो यहाँ पे तकरीबन 38 आवर्स का मुझे बैटरी लाइफ मिली है अपने फोन पे विद 5 आवर्स या 4 आवर्स 45 मिनट्स ऑफ स्क्रीन एक्टिव टाइम। आई होप आप समझ गए होंगे। आज की बैटरी यूजेज आप देख लो, इसमें मैंने फोटोज, कैमरा, YT स्टूडियो, ये सारी चीजें इस्तेमाल किया। ज्यादा सोशल मीडिया आज इस्तेमाल नहीं किया, कल किया था। तो ये बैटरी लाइफ निकाल के दे रहा है मेरा फोन, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा बैटरी लाइफ मुझे पिछले अपडेट्स में देखने मिली है। तो ऐसा हुआ क्यों, इसके 2 रीजन है। एक तो इस वाले अपडेट के अंदर हीटिंग जो है फोन में ज्यादा हो रही है। अब हीटिंग का जिम्मेदार ये अपडेट नहीं मानता मैं, क्योंकि एक्सेसिव हीटिंग नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। अभी देखिए आप, दोपहर के 3 बज रहे, अभी 37 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, कभी कभी 40 डिग्री 42 डिग्री तक भी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। तो बाहर ऑब्वियसली मैं जाता हूँ कुछ ना कुछ काम से, उस टाइम पे फोन इस्तेमाल करता हूँ तो फोन हीट होता है, जिसकी वजह से बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है। मुझे 40 आवर्स प्लस का जो है बैटरी लाइफ विद यहाँ पे 6 आवर्स 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम भी मैंने निकाल के आपको पिछले अपडेट में बताया है। तो और बेटर हो सकती है बैटरी लाइफ, इस अपडेट में भी अच्छी है, लेकिन और बेहतर की आप उम्मीद रख सकते हैं। अब आप में से कुछ बोलेंगे हमको तो नहीं मिल रही इतनी बैटरी लाइफ, तो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप 80 से 20 का रूल फॉलो कर रहे हैं, और 80 से 20 मतलब सिर्फ आप 60% बैटरी कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे 100% यूज कर रहा हूं। दूसरी चीज, क्या इस अपडेट के अंदर आइडल बैटरी ड्रेन है या फिर नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब 12:40 को मैंने चार्जिंग से हटाया सैटरडे को, तो मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया, और सुबह फिर 7:12 को मैंने इसको ऑन किया, मतलब ऑन ही था फोन, अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद ये स्क्रीनशॉट लिया मैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं 100% जो है बैटरी वैसी की वैसी है, यानी कि 0% आइडल बैटरी ड्रेन है, जो कि फैंटास्टिक है। ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स, 6.5 घंटे में आइडल बैटरी ड्रेन कुछ भी नहीं हुआ मेरे फोन में, जो कि अमेजिंग है। तो बैटरी लाइफ के हिसाब से एकदम थम्स अप है मेरी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते, करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। अब अगली चीज पे आते हैं दोस्तों, वो है स्टोरेज। देखिए अवेलेबल फ्री स्पेस थी मेरी, जो मैंने 70.4 पे चेक किया था, 650 GB इतना फ्री था मेरे फोन में, 1 TB का आईफोन है। लेकिन जब मैंने अपडेट किया उसके बाद देखिए कितना हो गया, 570 GB। तो कितना हो गया, 80 GB जो है ये उड़ गया अवेलेबल फ्री स्पेस। तो कुछ वापस आया या नहीं आया देखते, 570 था। अभी आपके सामने एक बार फिर से जो है सेटिंग जनरल अबाउट में चले जाते हैं, बाद में उसमें जाएंगे। तो देखिए 608
GB जो है अवेलेबल फ्री स्पेस हो गया है, यानी कि जो 40 GB के करीब जो है वापस आ गया है। अब 40 GB और आना बाकी, तो यूज करते रहूंगा तो शायद वापस आ जाएगा, लेकिन ये ग्लिच लगा मुझे इस वाले अपडेट में। आप में से कुछ लोगों का 2-3 GB कम हुआ है, कुछ लोगों का बढ़ गया है, हर एक के फोन पे अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे फोन में जो हुआ मैंने आपको साफ साफ बताया। अब यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में चलते, देखिए यहाँ पे सिस्टम डेटा कुछ एक्सेसिव नहीं है, लेकिन जब नया अपडेट इंस्टॉल होता है तो उसको सेटल होने के थोड़ा टाइम लगता है, तो यही टाइम ये अपडेट ले रहा है। हर अपडेट में नहीं होता है, किसी किसी अपडेट में स्टोरेज बढ़ भी जाता है, लेकिन इस वाले अपडेट में मेरा स्टोरेज घट गया। सिस्टम डेटा भी उस टाइम जो मैंने वीडियो बना के आपको बताया था तो ज्यादा था, अब कम हो गया है। जनरली मेरे इस वाले फोन पे 1 GB का रहता है सिस्टम डेटा, लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पे तो 5 GB दिखा रहा है, और पिछले अपडेट में भी जो है 6-7 GB 8 GB के करीब था। तो अभी ये जो है मैं इसको मान के चलता हूँ कि इतना ही रहेगा, और ये फ्लक्चुएटिंग रहता है। अगर आपका 10 GB है, 15 GB, 20 GB, तभी टेंशन मत लो, ये फ्लक्चुएटिंग रहता है। लेकिन हाँ, 50 GB चला जाए, 60 GB चला जाए, तब टेंशन लेने की बात है। तो स्टोरेज का एक मामला है जो अभी भी मैं बोलूंगा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको ये वाले प्रॉब्लम से कोई इशू नहीं होता, मतलब क्रिएट अगर प्रॉब्लम होती है, आपको स्टोरेज घट भी जाती है आपकी, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 TB का आईफोन है, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही अगर 20-30 GB घट गए बाद में, क्योंकि वो आ रहा है, अभी 40 GB आ चुका है, उम्मीद करता हूँ कि और 2-3 दिन यूज करूंगा तो शायद वापस 650 GB जो अवेलेबल फ्री स्पेस मेरे पास हो जाए। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे तो डेफिनेटली आप जाके अपडेट कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा केयरफुल रहना। अब अगली चीज है यहाँ पे दोस्तों, नेटवर्क परफॉर्मेंस। मुझे कोई भी नया मॉडेम फर्मवेयर देखने नहीं मिला था इस अपडेट में, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस क्योंकि 70.4 पे अच्छा था, तो इस वाले अपडेट में भी मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नेटवर्क परफॉर्मेंस अच्छा है। वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, पर्सनल हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, हर चीज जो है प्रॉपरली काम कर रही है, कोई मुश्किल नहीं आ रही। अगर मैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे एयरड्रॉप भी करूं तो इंस्टेंटली चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। अब एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों, क्या कोई ऐप क्रैश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो नहीं, ऐप क्रैश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सारे एप्लीकेशन फैंटास्टिक तरीके से चल रहे, चाहे बैंकिंग एप्लीकेशन हो, चाहे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन हो, सभी एप्लीकेशन जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस जो है इस मामले में काफी अच्छा है, और कोई भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई लैग या कोई फ्रेम ड्रॉप या इस टाइप की कोई भी चीज़ जो है मुझे देखने नहीं मिल रही, और कोई शटर वगैरह भी जो है फोन के डिस्प्ले को यूज करने के टाइम पे, इंटरफेस को यूज करने के टाइम पे नहीं आ रहा है। अब अगली चीज है दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन इशू। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अनप्रेडिक्टेबल है। अभी देखिए आपके पास 15 सीरीज का कोई भी फोन है तो आप कर सकते हैं अपडेट, इस पे ग्रीन स्क्रीन का इशू नहीं आ रहा है। 14 सीरीज में भी जनरली ग्रीन स्क्रीन का इशू देखने नहीं मिल रहा है, आप लोग अपडेट कर सकते हैं। लेकिन 13 सीरीज है आपके पास, आईफोन 13 है या 13 प्रो है, 13 प्रो मैक्स है, तो उसमें जो है किसी किसी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रीन स्क्रीन आ रहा है, आज भी आ रहा है लोगों को। तो ये बात के लिए ध्यान रख लेना कि अगर आपका फोन वारंटी के बाहर है तो अपडेट करने से पहले सोच लेना कि आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, क्योंकि अगर ग्रीन स्क्रीन इशू आ गया आपको, अगर आपका स्क्रीन ग्रीन हो गया, तो एप्पल जो है आउट ऑफ वारंटी में उसको रिपेयर फ्री में करके नहीं देगा, आपको आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर वारंटी में तो फ्री में रिपेयर हो जाएगा, लेकिन 13 प्रो 13 प्रो मैक्स यूजर्स को एप्पल स्टोर BKC और एप्पल स्टोर साकेत में करके दे रहे हैं फ्री में, जितना मुझे पता है, तो आप वहां से करवा सकते हो। लेकिन फिर भी कभी कभी नहीं भी देते, थोड़ी अपनी आवाज बड़ा करना भी सीख जाओ आप लोग। अब 100 बात की एक बात दोस्तों, कि आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितनी बातें मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी सीरियस इशू नहीं है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ग्रीन स्क्रीन, जिसका कोई सोल्यूशन आज तक एप्पल दे नहीं पाया है, तो इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रीन स्क्रीन को छोड़ के अगर आपको बाकी किसी भी चीज पे कोई डाउट है, तो डाउट रखने की जरूरत नहीं, अपडेट जो है सेफ है, आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। बस स्टोरेज का एक बार मुझे जो है अपडेट करना, अपडेट करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना, इन्फॉर्म करना कि स्टोरेज आपकी घटी या फिर बढ़ी। यही थी कहानी दोस्तों iOS 17.4.1 की, इसको मैंने यूज किया प्रॉपर्ली और आपको बताया। देखिए मैं और टाइम भी ले सकता था यूज करने के लिए, लेकिन फिर आपको जो अपडेट करना होता है फटाफट से, वो आप लोग कर नहीं पाते, इसलिए 3-4 दिन में कोशिश करता हूं कि अपडेट से रिलेटेड रिव्यू भी बना के मैं आपको बता दूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।